अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से रहेंगे। हम लोग भी आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हैं। तो आप लोग को मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आज रेसिपी हम लोग क्या बना रहे हैं, वाइट पुलाव। एकदम सिंपल सादा रहेगा वाइट पुलाव। बीफ में बना रही हूँ, तो ये मैंने अच्छा गोश्त वॉश करके रख ली हूँ। तो अभी कुकर में हम ये गोश्त पूरा वॉश करा हुआ गोश्त पूरा हम डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा चिकनाई ले लेना। गोश्त हमारा रूखा है, देखो एकदम रूखा है, बंदी बंदी बोटी है। तो थोड़ी सी मैंने चिकनाई ले ली, पुलाव वगैरह में चिकनाई लगती है, तो इसके थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चिकनाई, आप लोग भी डालना। तो ये 4 स्पून हमारी दही है, ये दही जाएगी इसमें। तो ये अदरक लहसुन है 1.5 स्पून, ये जाएगा इसमें अदरक लहसुन। मैं नमक और तेल से देखो पीसी कितना वाइट है, अभी थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए पीसी मैं। तो मसाले में 2 तेज़पत्ता है, थोड़ी काली मिरी, ज़ीरा, बड़ी इलायची, ये सौंफ का अखा का अखा धनिया है, तो ये दरदरा पिसा हुआ है ये, और ये सौंफ ये है 1 पैकेट। अखी डाल रही हूँ मैं, सौंफ पिसा हुआ नहीं डाल रही हूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 जावित्री के टुकड़े हैं, 4 लौंग है, 5 और एक हमारा स्टार फूल है, 4 छोटी इलायची, नमक है। इतना सामान हमारा इसमें जाएगा, ये पूरा हम इसमें डालेंगे। तो सौंफ हमारा 1/2 स्पून रहेगा, एक पैकेट गर्म मसाले में आया था, ये मैं पैकेट पूरा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/2 स्पून अक्का सौंफ डाल रही हूँ। बहुत बेहतरीन पुलाव, सिंपल और सादा, बहुत झटपट बनने वाला पुलाव है ये। तो अभी इसमें कुछ नहीं जाएगा, हम मिक्स करके एक 10-15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रखेंगे मैरिनेट करके। उसके बाद हम कुकर लगा के इसको गला लेंगे अच्छी तरीके से, फिर हम पुलाव की तैयारी करेंगे। एक 10-15 मिनट के लिए हम रख रहे हैं, 15 मिनट हो चुका है, तो अभी हम गलाएंगे। तो वहाँ हमारा गोश्त गल रहा है, तो हम यहाँ पे पुलाव की तैयारी करेंगे। तो तेल हमने गरम पे रख दिया, तेल हमारा गरम हो चुका है। तो ये साई जीरा है, सादा जीरा नहीं है, थोड़ा सा जीरा जाएगा, साई जीरा। तो ये 2 बड़े बड़े कांदे हैं, इस तरीके से काटे, इसको डालेंगे हम फ्राई करेंगे। इसमें लाएगा फोन रहे हैं। तो कांदे को हम देखो हमको एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा नरम करना है, क्योंकि वाइट पुलाव है ना। तो कांदा हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, हल्का सा देखो नरम हो चुका है, मतलब हमको लाल नहीं करना है, नहीं तो पुलाव में भी लाल कलर आ जाएगा। अभी अब हम अदरक लहसुन डालेंगे। तो ये हरी मिर्ची मैंने चॉपर में, 4 हरी मिर्ची चॉपर में चॉप कर ली हूँ। इसमें मिर्ची की बुक्की, हल्दी की बुक्की, धनिया की बुक्की नहीं जाती है, तो मिर्ची का इस्तेमाल होता है, हरी मिर्ची का। तो गोश्त हमारा गल चुका है, तो अभी हम गोश्त डाल देंगे इसमें डायरेक्ट, और गोश्त डाल के भूनेंगे हम। हमने गोश्त में थोड़ा नमक डाले, तो अभी पुलाव के हिसाब से हम नमक डाल रहे हैं, आप लोग अपने अंदाजे से डालना। 1/2 स्पून हमारा गरम मसाला है ये, 1 प्याली दही है, 100 ग्राम दही है। अच्छी तरह से हम मसाला भूनेंगे। तो ये 3 हरी मिर्ची इस तरीके से मैंने चीर ली हूँ, और कोथमीर पुदीना खूब सारा है, तो ये जाएगा इसमें। हमारा मसाला तैयार हो चुका है, हम इसमें पानी डालेंगे चावल के हिसाब से। ये बहुत बेहतरीन पुलाव है, सादा सिंपल पुलाव है, झटपट बनने वाला पुलाव है। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है, तो हम पानी डालेंगे अभी। पुलाव में कभी भी बनाएंगे तो 1 गिलास पानी कम कर देना, जितना आपका चावल रहेगा। अगर 2 गिलास चावल है तो 3.5 गिलास पानी डालना, अगर 4 गिलास चावल है तो 1 गिलास पानी कम कर देना, 7 गिलास डालना। तो एक नींबू का रस है, ये जाएगा इसके अंदर। इस पर टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता है, दही और नींबू डाला जाता है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू आती है कसूरी मेथी डालने से। तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है, तो हम चावल डालेंगे अभी। चावल डाल के इसको अच्छा हम पकाएंगे। चावल को मैंने 1/2 घंटा पहले भिगा के रखी थी, एक बार ऊपर नीचे करके हम अब इसको दम पे रख सॉरी पकाने के लिए रख देंगे। तो मैं आके एक बार ऊपर नीचे करके दम पे रखी गई थी, खाना हमारा दम हो चुका है। एक बार और ऊपर नीचे करके 5 मिनट में हम गैस बंद कर देंगे, फिर आप लोग को सर्व करेंगे। फिर हम 5 मिनट और दम करेंगे, उसके बाद आप लोग को सर्व करते हैं।
खाना हमारा दम हो चुका है, हम गैस बंद कर चुके हैं, अब आप लोग को सर्व करेंगे। बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है, बहुत बेहतरीन पुलाव बना है, आप लोग भी ज़रूर बनाना, बहुत अच्छा लगता है ये पुलाव, सादा सिंपल, बच्चों का भी फेवरेट है, बड़ों का भी फेवरेट रहता है ये। तो आज की रेसिपी हो गई हमारी तैयार, बीफ वाइट पुलाव, कितना बेहतरीन खुशबू आ रही है, कितना बेहतरीन दिख रहा है माशाल्लाह। आप लोग भी आइए खाने हमारे साथ, और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप लोग मुझे लाइक और शेयर ज़्यादा करो, मेरे चैनल पे जो भी नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे, और सपोर्ट करो प्लीज़, और दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह हम लोग भी आप लोगों को दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।